परम शांति। आज मैं हिमालय में जो अलौकिक रहस्य है उसके बारे में मैं बताऊंगा। मैंने जब आत्मस्वरूप में स्थित होकर जो देखा है हिमालय के अलौकिक रहस्य, वो बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही मन को आनंद देने वाला है। अगर वो दिखाई दे और देखें, और सारा का सारा हिमालय, पूरा का हिमालय भरा पड़ा है अलौकिक रहस्य से। तो लौकिक तो जानते हैं और अलौकिक जो रहस्य है हिमालय में, तो मैंने कई पहले भी वीडियो में बताया हुआ है कि जो चार धाम ऊपर जो है, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, तो सूक्ष्म जगत की जो आत्माएं हैं वो अच्छी अच्छी आत्माएं अपने अपने अलग अलग ग्रुप के गोले में बनाकर ये तपस्या करती हैं, ऐसा मैंने कई बार वीडियो में बोला है, मैंने वो देखा था। तो पूरा हिमालय जो है, चाहे आप भले आप नेपाल में भी जाओ तो पशुपतिनाथ का मंदिर है वहाँ भी, उसके ऊपर जहाँ मंदिर है उनके ऊपर 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर ऊपर सूक्ष्म में, या 3 किलोमीटर 5 किलोमीटर ऊपर भी सूक्ष्म में एक गोले में काफ़ी आत्माएं रहती हैं और तपस्या करती हैं। जिन जिन को मानती हैं, जैसे भगवान विष्णु को मानती है तो बद्रीनाथ जाती हैं, वहाँ ऊपर के गोले में बद्रीनाथ के द्वारा पूजा करती हैं। तो बद्रीनाथ को मानने वाली वो विष्णु को मानती है, भगवान विष्णु को, तो वैकुंठ जाने के लिए ये लोग तपस्या करते हैं। तो फिर जब उनकी तपस्या पूरी होती है और सूक्ष्मों में उनको पावर आती है, आत्माओं में पावर आती है, तो पूरा गोला धीरे धीरे करके ये भूलोक छोड़कर भूभूर्लोक, स्वर्गलोक से, स्वर्गलोक में नहीं टिकते, बाईपास निकल जाते हैं और ऊपर महालोक, जनलोक, तपलोक, फिर ब्रह्मापुरी भी नहीं रुकते हैं, सीधे विष्णुपुरी में जाते हैं। बद्रीनाथ को मानने वाले, भगवान विष्णु को मानने वाले सीधे वैकुंठ विष्णुपुरी चले जाते हैं। तो विष्णुपुरी में भी अलग अलग रूप मैंने देखा है, वहाँ राम का रूप भी मैंने देखा है, श्री राम का एक आकारी रूप, राम सीताराम का भी एक आकारी गोला है, सीताराम का एक बहुत बड़ा गोला है वैकुंठ में भी, राधा कृष्ण का भी वहाँ बहुत एक बहुत गोला है, क्योंकि विष्णु लोक बहुत बड़ा है, बहुत ही बड़ा, मतलब कितना बड़ा होगा आप सोच सकते हैं, इतना बड़ा है। तो ये गोला जो उसमें अलग अलग जो पूजा करने वाले लोग चले जाते हैं, तो कोई सीताराम को मानने वाले, कोई राधा कृष्ण को मानने वाले विष्णुपुरी में जाते हैं, वो मानते हैं विष्णु के अवतार है, तो विष्णु के अवतार मानकर जो ऊपर विष्णु लोक में चले जाते हैं, तो वहाँ भी अलग अलग विष्णु के जितने भी अवतार हैं, इतने बड़े बड़े अलग अलग गोले हैं विष्णु लोक में, और विष्णु लोक बहुत बड़ा है, बहुत ही बड़ा है, क्योंकि ये 7 लोक और ब्रह्मापुरी का टोटल करो, इससे भी डबल ये स्पेस है उनकी, विष्णु लोक की, और इससे ऊपर डबल से स्पेस, विष्णुपुरी से भी डबल स्पेस शिवपुरी की, और इससे परम धाम तो कई गुना है। तो मैंने पुराना देखा था, बहुत पुराना, क्योंकि ये तो अभी तो सब कुछ बदल गया है, मगर वो जो कई साल पुरानी बातें इमर्ज करते हैं तो समय के हिसाब से ही अलग अलग, जैसे ब्रह्मांड के पहले पराग में क्या था, ब्रह्मांड का पहला पराग शंकर ब्रह के इमर्ज करते तो वहाँ की बातें इमर्ज हो जाती हैं, और मुझे सूक्ष्म में मेरा निराकारी रूप भी मुझे हेल्प करता है, तो थोड़ा बातें इमर्ज हो जाती हैं। तो ऐसे हिमालय में भी मैंने काफ़ी अच्छी अच्छी बातें देखी, तो मैंने सोचा कि चलो बेहद के बच्चों को शेयर करूं, क्योंकि बेहद की बात बेहद के बच्चे ही समझ पाएंगे, बाकी तो लोग समझ नहीं पाएंगे, भक्ति मार्ग वाले तो थोड़ा नहीं समझ पाएंगे, मगर बुद्धि करें तो समझ पाए। तो हिमालय में इतनी वैल्यू क्यों है, हिमालय की वैल्यू इतनी क्यों है, हिमालय अलौकिक शक्तियों से भरा पड़ा है, जिनमें एक बार कई बार ज्ञान गंज पर भी एक वीडियो बनाया था, और भक्ति मार्ग वाले ज्ञान गंज के अलौकिक रहस्य के बारे में कई साधु संत भी बताते हैं। तो वहाँ इतने साधु संत तो सूक्ष्म रूप में काम कर रहे हैं, इतने सूक्ष्म रूप में, तो कई अच्छी आत्माएं जाती हैं तो उनको वो हेल्प करती हैं, बहुत हेल्प करती हैं, जैसे हरिद्वार में शुद्ध भावना से जाते हैं तो वहाँ बहुत सूक्ष्म में हरिद्वार में भी आत्माएं शाकाहारी मनुष्यों को बहुत हेल्प करती हैं। फिर आप ऊपर हरिद्वार से ऊपर जाओ ऋषिकेश जाओ, तो ऋषिकेश में बहुत अच्छी आत्माएं भरी पड़ी लोगों को हेल्प करने के लिए, शुभ भावना, तो वहाँ का वायुमंडल ही ये अच्छी आत्माएं अच्छा वायुमंडल बनाती हैं।
फिर इससे ऊपर जाओ तो बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री जाओ तो गंगोत्री के मूल में जाओ एकदम ऊपर, तो वहाँ भी सूक्ष्म में आत्माएं बहुत होती हैं, कई गोलों में रहकर तपस्या करती हैं। और ऊपर जाने के लिए इससे ऊपर जाओ तो आप जहाँ अमर अमर लोक अमरनाथ ने, अमरनाथ तो शिव को कहते हैं ना, शिव मतलब शिव ने शक्ति को ज्ञान दिया, मतलब महादेव ने पार्वती को ज्ञान दिया, जहाँ अमरधाम की यात्रा करने जाते हैं कश्मीर में के पास में, तो वहाँ भी भले दुनिया नीचे कुछ हो मगर ऊपर की दुनिया मतलब जहाँ 10 किलोमीटर के ऊपर पहाड़ों में, वहाँ भी बहुत शिव पार्वती को मानने वाले या शंकर पार्वती को मानने वाले, वहाँ भी बहुत बड़े गोले में वो लोग बैठे हैं, बहुत ही 10 किलोमीटर ऊपर से गोले स्टार्ट हो जाते हैं अच्छी अच्छी आत्माएं, जैसे ये महादेव पार्वती, शंकर पार्वती ये मानसरोवर में रहते थे, फिर कैलाश पहाड़ पर। इसलिए कोई कैलाश पहाड़ पर भी नहीं जा सकता क्योंकि कैलाश पहाड़ पर जाएंगे तो वहाँ की चुंबकीय शक्ति, क्योंकि वहाँ ग्रेविटी फोर्स, महादेव जहाँ रहते हैं आज भी रहते हैं आकारी रूप में, शंकर पार्वती आज भी महादेव रहते हैं कैलाश पहाड़ पर, तो कैलाश पहाड़ पर मनुष्य नहीं जा सकता, सूक्ष्म की आत्मा ही जा सकती है, जो महादेव शंकर पार्वती को मानते हैं, दिल से मानते हैं, उनकी भक्ति करते हैं, पूरे जन्म उनमें बिताए, तो शरीर छोड़ने के बाद वो महादेव के पास जाती हैं, क्योंकि गीता में कहा है ना कि अंत में तुम जिनको याद करोगे उसी को पाओगे, तो जो पूरी जिंदगी शंकर पार्वती को पूजा की है, याद किया है पूरी जिंदगी, तो अंत में सूक्ष्म में शंकर पार्वती के पास, बहुत पावरफुल आत्मा हो तो जा सकती है, मायावी आत्मा जो माया में फंसी है नष्ट मोह नहीं है तो नहीं जा सकते। तो कैलाश पहाड़ आज भी रहस्य है, ऐसे हिमालय में इतने रहस्य हैं और इतने अनमोल ज्ञान के मोती भी वहाँ देने वाले ज्ञान गंज के खजाने हैं, मगर इतने सारे ढेर गोले मैंने देखे, बहुत पूरा हिमालय गोले से भरा पड़ा है, किसी में 1,000 आत्माएं तपस्या करती है, किसी में 500 है, किसी में 2,000, किसी में 5,000, किसी में 10,000, किसी में 50,000, कहीं तक लाख तक भी घोड़े हैं बड़े बड़े, जो थोड़े ऊपर है 15-20 किलोमीटर ऊपर है, कोई 25 किलोमीटर, कोई 50 किलोमीटर ऊपर, क्योंकि वहाँ से उनको शांति, वहाँ धरती के वाइब्रेशन वहाँ नहीं पहुँचते, 10 किलोमीटर ऊपर धरती के वाइब्रेशन नहीं पहुँचते, धरती के लोगों के नेगेटिव वाइब्रेशन वहाँ तक नहीं पहुँचते जितने, इसलिए पहाड़ों पर ही हमेशा मंदिर बनाते हैं, क्योंकि मंदिर पे थोड़ा ऊपर जाओ ऊपर तो नेगेटिव, धरती लोक के नेगेटिव वाइब्रेशन इनको तंग नहीं करेंगे। तो योग करने में या तपस्या करने में, जो भक्ति मार्ग वाले तपस्या करते हैं, बहुत अच्छी तपस्या करते हैं, तो तपस्या करके फिर ऊपर जाने का लक्ष्य होता है, तो जो शंकर पार्वती को मानते हैं तो धीरे धीरे करके शिवपुरी पहुंच जाते हैं, शिव शक्ति जहाँ रहते हैं शिवपुरी पहुंच जाते हैं, फिर इससे परमधाम भी पहुंच जाते हैं बाद में। कोई अलग अलग धर्म की, वहाँ कुछ जैन धर्म की आत्मा के गोले भी मैंने देखे, मगर वो निचले लेवल पे 5-6 किलोमीटर निचले लेवल पे देखे, हाई लेवल पे नहीं देखे। बौद्ध धर्म की आत्माएं भी वो नीचे 2-3 किलोमीटर हिमालय में, 2-3 किलोमीटर जहाँ पहाड़ ऊंचे हैं, 2-3 किलोमीटर की रेंज वाले पहाड़ हैं ऊंचे, वहाँ बौद्ध धर्म की आत्माओं के भी बहुत मठ है इनके, बौद्ध धर्म के वो बहुत हैं, मगर वो अभी तो तिब्बत में जो बौद्ध धर्म का जो पूरा तिब्बत इलाका था, वहाँ तो नास्तिक धर्म की आत्मा चाइना ने कब्जा कर लिया है, इसलिए वहाँ जो मठ थे वो भागकर हमारे हिमालय के, हमारे पोर्शन में, हिंदुस्तान के पोर्शन में आकर वो तपस्या कर रहे हैं। वहाँ तो अभी तिब्बत में तो नास्तिक धर्म वालों का, भूत प्रेतों का, नास्तिक धर्म की जो भूत प्रेत है वहाँ का अड्डा लगा दिया है चाइना ने, चाइना में नास्तिक धर्म है, इसलिए नास्तिक धर्म की बेहिसाब आत्माएं वहाँ भरी पड़ी है, वो नास्तिक धर्म की आत्माएं तिब्बत में से सभी सूक्ष्म में भी, जैसे स्थूल में भगा दिया तिब्बत को कंट्रोल कर लिया चाइना ने, ऐसी तरह सूक्ष्म में भी उनको कंट्रोल कर लिया है। जब पहले सूक्ष्म में कंट्रोल होता है तब तो स्थूल में कंट्रोल होता है, तो पहले नास्तिक धर्म की आत्माओं ने तिब्बत को, आज से कई साल पहले, कम से कम काफ़ी साल पहले, उन्होंने सूक्ष्म में पहले बौद्ध धर्म की आत्माओं में भगाया सूक्ष्म में, फिर स्थूल में इन्होंने कंट्रोल कर लिया और भगा दिया, तो वो आत्माएं भी वहाँ काफ़ी हैं इनके भी, मगर हमारे
हमारे हिंदुस्तान साइड में वो लोग आ गए हैं सूक्ष्म जगत वाले, और वहाँ नीचे के लेवल पे 2-3 किलोमीटर की टैंक के लेवल में रहते हैं, क्योंकि वो आत्मा परमात्मा का उसके पास ज्ञान नहीं है। तो उसमें बौद्ध धर्म में भी अच्छी आत्माएं होती हैं, जैन धर्म में भी अच्छी आत्माएं होती हैं, इनको ज़्यादा ज्ञान चाहिए। तो हमारे ये हिंदू धर्म के गोले में आती हैं, इनको वो लोग स्वागत करते हैं, इनको भी ज्ञान देते हैं, समझाते हैं वो, अगर वो ज्ञान समझना चाहे तो। किसी को भी वहाँ ऊपर भेदभाव नहीं होता कि ये बौद्ध धर्म की है, आत्मा मानते हैं, आत्मा बस, त्यागी तपस्वी आत्मा है, तो किसी को भी वो ज्ञान देते हैं, चाहे कोई भी धर्म की हो। मैंने यहाँ तक भी देखा कि क्रिश्चियन धर्म की काफ़ी आत्माएं सूक्ष्म जगत में भी, सूक्ष्म जगत के गोले में काफ़ी क्रिश्चियन धर्म की आत्मा भी वहाँ सूक्ष्म जगत के गोले में रहकर तपस्या करती हैं। जैसे हरे कृष्ण को बहुत मानते हैं, तो हरे कृष्ण वाली आत्माएं भी वहाँ कभी कभी वहाँ बद्रीनाथ केदारनाथ की यात्रा पे जाती हैं, हरे कृष्ण को मानने वाले बद्रीनाथ, क्योंकि हरे कृष्ण को विष्णु का अवतार मानते हैं, तो बद्रीनाथ केदारनाथ में भी इस सूक्ष्म जगत में जो गोरे लोग हैं हरे कृष्ण में, विदेश में, चाहे यूरोप हो, अमेरिका हो, चाहे रशिया हो, नास्तिक देशों, बहुत इन लोगों ने, हरे कृष्ण वालों ने डेवलप किया है। तो वो आत्माएं मरने के बाद भी बद्रीनाथ में आती हैं और तपस्या करती हैं। ऊपर में जाने के लिए ये लोग तपस्या करते हैं, नीचे भी ये कभी भी नीचे का इंटरफियरेंस नहीं करते, मगर वहाँ नीचे बहुत अच्छी आत्माएं होती हैं। वो भारत के गांव गांव, शहरों शहरों में, गलियों गलियों में घूमकर वो सबको, सूक्ष्म जगत वाली आत्माओं को ज्ञान देती हैं, समझाती हैं कि चलो आओ, हम तुम्हें हरिद्वार, बद्रीनाथ, केदारनाथ ले जाएं। जीते जीते तुम लोगों ने कभी बद्री चार धाम की यात्रा नहीं की, हम तुम्हें ले जाते हैं। तो कई बार कई अच्छी आत्माएं जाती हैं, जो नष्ट मोह होती है वो जाती है, बाकी तो घर में बैठी रहती तो नहीं जाती, वो डर जाती है, बोले हम बद्रीनाथ केदारनाथ ऊपर चार धाम की यात्रा करेंगे तो फिर वापस घर में नहीं आएंगे, इनका मोह होता है घरों में, इसलिए थोड़ी भक्ति की हो, जिन्होंने भक्ति की हो और भक्ति का फल थोड़ा उनको मिले थे, ऐसी आत्मा ये आत्माएं आके अपने बल पर ले जाती हैं, धीरे धीरे करके ऊपर ले जाती हैं और चार धाम की यात्रा बद्रीनाथ केदारनाथ गंगोत्री यमुनोत्री कराती हैं। कई बार आत्माएं वहाँ तपस्या नहीं करती, वापस अपने घर चली जाती हैं। जैसे ये स्थूल में चार धाम की यात्रा मनुष्य लोग करते हैं ना, तो ग्रुप में अपनी गाड़ियाँ लेकर जाते हैं, बड़ी बड़ी लग्जरियाँ करके जाते हैं। तो ये सभी आत्माएं जैसे स्थूल में चार धाम की यात्रा करते हैं, ऐसे सूक्ष्म में भी चार धाम की यात्रा करने वाली आत्माएं बहुत आती हैं वहाँ। कई बार जैसे ऊपर के पहाड़ों में कई लग्जरियाँ गिर जाती हैं, तो वो सारा एक्सीडेंट होकर आत्माएं शरीर छोड़ देती हैं, तो वो भूत बनती हैं, तो भूतों को भी वहाँ एक बार चांस मिलता है, तो वहाँ उनको भी बचाने वाली सूक्ष्म में वहाँ आत्माएं आ जाती हैं, उनको भी ऊपर बद्रीनाथ केदारनाथ की यात्रा कराते हैं, उनका भी कल्याण करते हैं। तो सूक्ष्म जगत में ये चार धाम की यात्रा में कराने के लिए बहुत आत्माएं बहुत एक दूसरे को बहुत हेल्प करती हैं। और इससे ऊपर नेपाल हो, पशुपतिनाथ का मंदिर हो, या चाइना बॉर्डर तक हमारी आत्माएं, इवन चाइना के अंदर के साइड के बॉर्डर तक, जहाँ हमारा पूरा जो पहले मानसरोवर, कैलाश पहाड़, इसकी रेंज में काफ़ी ऊपर तक हमारी आत्माएं हैं। भले नीचे स्थूल जगत में चाइना का राज है, मगर वो वहाँ जाते नहीं है, चाइना वाले नीचे जाते नहीं है, वहाँ से भाग खड़े होते हैं। अगर भारत वाले चाहे तो वो एक दिन में ले सकते हैं, मगर इतनी हिम्मत अभी नहीं कर सकते भारत में, भारत के अभी, मगर वो चाहे तो सूक्ष्म जगत वाले उसको हेल्प करके चाहे तो मानसरोवर, कैलाश पहाड़ तक तो वो ले सकते हैं, क्योंकि वहाँ सूक्ष्म जगत वाले बहुत उनको हेल्प करने को भी तैयार है, मगर वो ज़्यादातर ऊपर वाली आत्माएं धरती पर ज़्यादा नहीं इंटरफियर नहीं करती, ना करना चाहती हैं, मगर जरूरत पड़े तो कैलाश के लिए, मानसरोवर के लिए ये लोग तैयार हैं। तो ये हिमालय में इतनी अच्छी जगह, ऊपर जाओ बुद्धि से, अगर आत्मा स्वरूप की अनुभूति हो और हिमालय का पूरा पहाड़ देखो, पहले तो हिमालय देखो, ब्रह्मदेश जो आज का जो म्यांमार कहते हैं, वो ब्रह्मदेश था एक जमाने में, जहाँ ब्रह्मा ने, ब्रह्मापुरी से आकर ब्रह्मा ने वहाँ यज्ञ रचा था, सृष्टि के धरती पर आकर पूरी
पूरे सृष्टि के सभी लोगों को ब्रह्मा विष्णु शंकर मिलकर यज्ञ रचा था और सारे देवी देवताओं ब्रह्मदेश में आए थे। ब्रह्मदेश माना म्यांमार, पूरा जहाँ तक हिमालय है वहाँ तो पूरा देवी देवता भी ऊपर से आते थे। वहाँ जो मानसरोवर है वहाँ इंद्रलोक की अप्सराएं भी आती थी, वहाँ मानसरोवर में स्नान करके चली जाती थी। तो ये एक हिमालय है, ये एक डायरेक्ट ऊपर स्वर्ग लोक में जाने का या दूसरे लोक में जाने का, एक कैलाश पहाड़ भी एक ऊपर उड़ने का, एक वहाँ से जाने का पूरा एक समझो कि जाने का एक प्लेटफॉर्म है ऊपर जाने के लिए। पूरा ऊपर से डायरेक्ट गोले में तपस्या करके पावर आती है तो ऊपर के लोक में, दूसरे लोक, तीसरे लोक में, चौथे लोक में चले जाती हैं आत्माएं। इसलिए बहुत ही अलौकिक रहस्य है वहाँ, इतने अलौकिक रहस्य हैं कि ज्ञानगंज भी जिसका नाम दिया ना ज्ञानगंज, तो वहाँ आत्माएं सभी ज्ञान देती हैं एक दूसरे को, भक्ति कराती हैं, तपस्या कराती हैं। कोई शंकर पार्वती की उपासना करते हैं, कोई विष्णु की उपासना करते हैं, अलग अलग देवी देवताओं की भी उपासना करते हैं, मगर अंत में फिर शंकर पार्वती को ज़्यादा उपासना करने वाले, शंकर पार्वती को मानने वाले ज़्यादा हिमालय में हैं। बहुत ही हिमालय पूरा भरा पड़ा है, अमरनाथ में भी शंकर पार्वती को मानते हैं। तो ये सभी जहाँ जहाँ भी मंदिर है वहाँ तो बहुत है, मगर जहाँ मंदिर नहीं है ऐसे भी हिमालय में, जहाँ इनको साइलेंस की शक्ति चाहिए इन लोगों को तपस्या करने के लिए, जंगल में जाते हैं तो स्थूल जंगल में जाते हैं, ऐसे सूक्ष्म में भी ऊपर साइलेंस की शक्ति जो 10 किलोमीटर ऊपर ऐसे चले जाते हैं, अच्छी अच्छी आत्माएं हैं। और वो बहुत भरा पड़ा है, बेहिसाब गोले हैं, बेहिसाब आत्माएं हैं गोलों में, और ऊपर जाने के तैयार हैं और धीरे धीरे करके दूसरे लोक में भी जाती हैं। एक मैंने एक गोला भी देखा था ऊपर में, कम से कम 50 किलोमीटर ऊपर हिमालय के रेंज के ऊपर था, वहाँ बहुत ऊपर की आत्माएं जो हैं वो ऊपर की आत्माएं आई हुई हैं, और उन्होंने जैसे ऊपर के लोगों का नहीं मगर उसके दूसरे, जैसे एलियन होते हैं तो एलियन कनेक्शन वाले बताते हैं ना कि ये दूसरे स्टार चाइल्ड जैसे दूसरे सोलर सिस्टम से मतलब ब्रह्मांडों से आई है। तो ऐसी सूक्ष्म जगत में भी एक ब्रह्मांड मैंने देखा, मतलब एक गोला देखा जिसमें काफ़ी आत्माएं थी, 50 किलोमीटर ऊपर था हिमालय में जहाँ शंकर पार्वती का ऊपर का लोक है वहाँ। तो वहाँ दूसरे ब्रह्मांडों से माना दूसरे सोलर सिस्टम से मतलब स्टार वाली आत्माएं, स्टार से आई हुई आत्माएं वहाँ अच्छी अच्छी आत्माओं को ज्ञान दे रही थी कि तुम दूसरे स्टार पर भी जा सकते हो। ये स्टार तो उन्होंने बताया कि ये वहाँ भी इनको इतना ही ज्ञान नहीं है, मगर ये बताते कि हाँ दूसरे स्टार पे जा सकते हैं, मगर ऊपर सूक्ष्म जगत में इनको ये स्टार पे जाने का रास्ता बना बताते हैं कैसे जा सकते हैं। तो उनका पूरा रास्ता बताते हैं दूसरे स्टार पे जाने का, दूसरे स्टार से जाने का रास्ता बताते हैं वहाँ। ऐसा एक मैंने गोला देखा कि दूसरे स्टार से हुई आई आत्मा है, जैसे धरती पर स्टार चाइल्ड जन्म ले चुके हैं ना तो उसमें विशेष आत्माओं में पावर होती है, ऐसे ये हिमालय में ऊपर में एक 50 किलोमीटर ऊपर एक गोला देखा, उसमें दूसरे स्टार से आई हुई आत्माएं, यहाँ वाली जो आत्मा है जो बहुत पावरफुल है इनको ज्ञान लेना है तो दूसरे स्टार का ज्ञान देते हैं लोग, दूसरे स्टार में कैसे जाओगे, जो ऊपर में दिखते हैं स्टार उनमें जाने की ये विधि बताते हैं, ज्ञान देते हैं ऐसे। तो बहुत मज़ा आती है ऊपर के, जब आत्मस्वरूप में स्थित होते ऐसे नज़ारे देखते हैं तो मज़ा आती है। जब बच्चे आगे चलकर आत्मस्वरूप में स्थित होंगे तो ये तो हिमालय नहीं ऊपर के लोग देखेंगे, ब्रह्मांड के ऊपर के पूरे स्टार लोग देखेंगे, गैलेक्सियाँ का नज़ारा देखेंगे, यूनिवर्स, ग्रेट यूनिवर्स, पूरा मल्टीवर्स के नज़ारे देखेंगे, फिर ऊपर की दुनिया, ऊपर के कई कलाओं के, हजारों कलाओं के ऊपर के ब्रह्मांड देखेंगे। तो बहुत ही मजा आती है उसी आत्मस्वरूप में स्थित, तब ये दुनिया भूल जाते हैं, हट की दुनिया में फिर वापस आने का मन नहीं होता, ऐसा लगता है कि ऊपर की दुनिया में ही बैठे रहें, मगर यहाँ शरीर चलाने के लिए दाल रोटी खाना पड़ता है, शरीर चलाने के लिए सिर्फ सिंपल खाना है, दाल रोटी खाओ, ज़्यादा शरीर भारी ना हो जाए, नहीं तो फिर प्राण अवस्था में थोड़ा तकलीफ होता है। जितना शरीर हल्का होगा इतना मन भी हल्का होगा,
क्योंकि मन का कनेक्शन सीधा तन से होता है, और मन हल्का होगा तो तन हल्का होगा, और मन हल्का होगा तो बुद्धि पवित्र हो जाएगी, तो बुद्धि ऊपर के लोकों में जाएगी, और बुद्धि जब ऊपर के लोकों में जाएगी तब हद की दुनिया में ये देखने का सोचने का मन ही नहीं करेगा, न किसी को मिलने का, न बात करने का, न किसी को देखने का, न सोचने का। क्योंकि ज्ञान होता है ना, किसी को याद करोगे तो उसका कचरा तुम्हारे अंदर आ जाएगा और तुम्हारी पावर उसमें चली जाएगी। इसलिए किसी को ऐसी स्टेज रहती है कि देखते हुए ना देखो, सुनते हुए ना सुनो, वाणी से परे, आवाज से परे। तो जो बेहद के बच्चे हैं उनको अपनी माँ की वाणी भी सुननी चाहिए, उसमें ज्ञान के अनमोल मोती बहुत अच्छे देती हैं। जो तुम्हारी माँ की चैनल है उसमें जाके देखो, माँ की चैनल में ज्ञान के अनमोल मोती वो भी देती हैं। तो जो माँ के वाणियों में कहा हुआ है, माँ जो माँ के दिल पर चढ़ते हैं वो बाप के दिल पर चढ़ते हैं, मतलब डायरेक्ट धरती पर देखो माँ का कितनी वैल्यू। पहले माँ आती फिर बाप आता है, माँ बाप सीताराम, पहले सीता आता है फिर राम आता है, राधा कृष्ण लक्ष्मी नारायण। तो हमेशा अपनी हिंदू शास्त्रों में तो स्त्रियों को बहुत वैल्यू दी है, बहुत आगे रखी है, प्रकृति को हमेशा पुरुष ने आगे रखा है, क्योंकि हमेशा पुरुष प्रकृति को आगे रखकर प्रकृति को ही हमेशा रिस्पेक्ट देता है। इसलिए जहाँ भी जैसे लक्ष्मी की पूजा करते थे भक्ति मार्ग वाले, धन आता था पहले, तो ऐसी तरह दुर्गा की पूजा करते तो शक्ति आती है, सरस्वती की पूजा करते तो ज्ञान, ज्ञान की देवी सरस्वती। तो ऐसे माँ की चैनल पे, माँ का दिव्य संदेश की चैनल है, उसमें जाके सुनो, ज्ञान सुनो। तो बाप के दिल पर चढ़ना चाहते हो तो माँ के दिल पर चढ़ना पड़ेगा। परम शांति।